सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय बिंद, जय माई शारदा की, जय प्रभु श्री राम की, जय भीम। सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये दोनों दल कांग्रेस और भाजपा से सावधान रहिए, इनके षड्यंत्रों से सावधान रहिए। ये कब कहाँ क्या सोशल मीडिया में चला दें, ये कब कहाँ क्या पेपरों में चला दें, ये कब कहाँ क्या कैसे करने लगें। कोई साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र की बात करता है, कोई षड्यंत्र करके मेरी ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल उठाता है। मैं कोई बहुत बड़े घराने का आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटे से गांव के गरीब पंडित घराने में पैदा हुआ आदमी हूं। ये दिल बहुत बड़ा है, इसलिए जहां राजनीति करता हूं उसके लिए दिल भी बड़ा रखता हूं, और वहां के विकास के लिए सरकार से भी टकराना पड़े तो सरकार से भी टकराता हूं, बागी बन जाता हूं, बगावत कर देता हूं और अपने मैहर का विकास कराता हूं। चाहे जिला बनाने का काम हो, चाहे जितने काम हो, सब कुछ टकराने और लड़ाई लड़ने से ही संभव हो पाया है। मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आज लोकसभा चुनाव में आपके बीच में आया हूं, आपसे निवेदन आग्रह करता हूं कि वोट पैसे से नहीं लिया जाता, वोट ढोल धमाका से नहीं लिया जाता, वोट साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र से नहीं लिया जा सकता। वोट काम के बदले देना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों से आप लोग सवाल कर सकते हैं कि आप लोगों ने आज तक किया क्या, सिर्फ जातिवाद चलाए, जातिवाद के अलावा क्या किया, और लोग तो जातिवाद में भी लोगों को ठगने का काम किए। मैं अपने राजनीतिक जीवन में न मैं किसी की जात पूछा, न पात पूछा, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया कभी आज तक मतलब नहीं रखा। जिसको मैं जाना ये वोट नहीं दिया, इसके बाद भी यदि वो आया होगा तो ईमानदारी के साथ मदद किया हो, ये सर्टिफिकेट मेरे मैहर के मतदाता दे सकते हैं, किसी भी मैहर के मतदाता से सवाल जवाब किया जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम युवा वर्ग के लिए, यदि आप लोग मुझे सदन भेजते हैं तो युवाओं के लिए खेल कूद शिक्षा सभी चीज पर काम करते हुए रिजल्ट दूंगा। किसान भाई हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे सिंचाई की सुविधाओं का मामला हो, आदमी विजन की बात होती है। मैं विपक्ष में रहूं तो विपक्ष में भी रहकर काम कराने की क्षमता रखता हूं, विपक्ष में और बेहतर काम होते हैं। मैं सरकार की गुलामी और दास्तान नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए बार बार अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग अपना आशीर्वाद दें, जाति धर्म से ऊपर उठकर मेरे पक्ष में मतदान करें, बहन मायावती जी के हाथ को मजबूत करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिंद की आवाज मजबूत होगी, हमारा बिंद बनना चाहिए, बिंद बनेगा तभी इस बिंद का कल्याण होगा। यह राम की तपोभूमि चित्रकूट परम धाम है, जहां भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने श्री राम। चित्रकूट में आने के बाद उनके नाम पर बिंद धारा को राम राज्य लाने का नींव रख दूंगा सदन में, ये विश्वास दिलाता हूं। मुझे सदन भेजिए, बेहतर से बेहतर काम करके दूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद।